जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज रेलवे जूनियर इंजीनियर के जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट थे, जिनका पैनल में नाम आ चुका था किसी न किसी एडिशनल और रिप्लेसमेंट पैनल में, उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये खुशखबरी संबंधित है दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर और डिवीजन अलॉटमेंट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आरआरबी गुवाहाटी से एक खबर आई है दोस्तों, कि आरआरबी गुवाहाटी से देखिए जो रिप्लेसमेंट पैनल जूनियर इंजीनियर का जो है आया था, देख लीजिए यहाँ पर डेट, डेट मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। 22 अगस्त 2022 को जो रिप्लेसमेंट पैनल आया था उससे संबंधित है। इसमें से कुछ लोगों का जो है, लगभग 17 लोगों का ज्वाइनिंग लेटर ऑलरेडी आ चुका है और उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना करके डाल दिया है, अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों का आ गया था, जिन लोगों का बाकी था, उनसे संबंधित उनके ज्वाइनिंग लेटर और डिवीजन अलॉटमेंट से संबंधित जो नोटिफिकेशन आया है उसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। ये दोस्तों जितने भी कैंडिडेट थे उस पैनल में, उनका जो है डिवीजन अलॉटमेंट हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आरआरबी गुवाहाटी पैनल अगेंस्ट सीईएन नंबर 03/2018, ये देखिए डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टीमेशन कैटेगरी नंबर 2 का जो है डिवीजन अलॉटमेंट कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट का रोल नंबर दिया है और इधर डिवीजन दिया है। RNY का मतलब रंगिया डिवीजन, MLG मतलब मालीगांव हेडक्वार्टर, HQ का मतलब। फिर देखिए यहाँ पे कैंडिडेट का रोल नंबर आप देख सकते हैं, अगर आप इस पैनल से संबंधित हैं तो आपका इसमें रोल नंबर मिल जाएगा। LMG मतलब लंबर्डिंग डिवीजन और CUN मतलब कंस्ट्रक्शन डिवीजन, यह भी एक टाइप का डिवीजन ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन का। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे आया है कैटेगरी नंबर A31 नहीं है, कैटेगरी नंबर 3 है, PUA का। ठीक है दोस्तों, पीवे में भी है यहाँ पे रोल नंबर, इधर जो है डिवीजन। तो आप इसमें अपना रोल नंबर के अनुसार डिवीजन देख सकते हैं कि आपका डिवीजन कौन सा अलॉट हुआ है। उसके अलावा आया है JEE वर्क्स का, वर्क्स में भी सेम टू सेम इधर रोल नंबर है और इधर डिवीजन है जो आपको अलॉट हुआ है। तो आप अपने रोल नंबर के अनुसार इसमें से मिला सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसी को विस्तार में देखना है, ज़्यादा डिटेल में, तो डिटेल में भी आरआरबी ने इसको प्रोवाइड किया है हेडक्वार्टर से, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है कि ये डिजाइन एंड ड्राइंग एस्टिमेशन का है। इसमें यहाँ पे देखिए रंगिया डिवीजन, मालेगांव लंबरिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिवीजन, और यहाँ पे कॉलम टोटल यानी कि इसको जोड़ करके लिख दिया गया है कि जनरल से कितना है, OBC SC ST से टोटल कितना कैंडिडेट है। तो इसमें कुल 27 कैंडिडेट है, इसमें कुल 20 कैंडिडेट है और इसमें कुल 35 कैंडिडेट है। इन सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 1 पे है अतुल कुमार, जिनका रोल नंबर है, और डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया है, स्टेट दे दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दे दिया गया है। हो सकता है किसी के डेट ऑफ बर्थ में प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, उसके लिए डरना नहीं है। यहाँ पे कास्ट और मेरिट और डिवीजन टोटल इसमें कंप्लीट डिस्क्राइब करके दे दिया गया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो सबका डिटेल आप इसमें देख लीजिए। यहाँ JEE PUA का है, ऊपर डिजाइन एंड ड्राइंग का था और नीचे में JEE वर्क्स का है। तो आप सभी आप इसमें अपना डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इससे भी बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, जो है इस डिवीजन से जो है डेली बाय डेली करके जो है हर कैटेगरी से, हर पोस्ट कैटेगरी से 10-10 कैंडिडेट को जो है ज्वाइनिंग लेटर डेली भेजा जा रहा है, जिसमें जो है 21 तारीख से ही ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाना चालू हो गया है। जैसे देखिए यहाँ पे 21 अक्टूबर को जो है PUA कैटेगरी का जो है कुछ लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आया था। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें जो है लिखी है, इसको डिटेल में वीडियो बना के डाल दिया गया है, तो इसको फिर से लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। और दोस्तों, कल के डेट में भी ज्वाइनिंग लेटर आया है, यानी 25 अक्टूबर को दीपावली के बाद जैसे ही ओपन हुआ है ऑफिस, उसके बाद जो है ज्वाइनिंग लेटर
कंस्ट्रक्शन डिवीजन से जो है भेजा गया है। तो ये देखिए किसी कैंडिडेट का है जिनका पूरा डिटेल यहाँ पे हाइड किया गया है और इनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। और बहुत सारे कैंडिडेट का अभी नहीं आया है, तो घबराने की बात नहीं है, ऑफिस अब खुल गया है, छुट्टियाँ समाप्त हो गई है, सारे स्टाफ अब रेगुलर जैसे होंगे, तो डेली बाई डेली जो है ज्वाइनिंग लेटर किसी न किसी कैंडिडेट का आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जिनका नहीं है आया है, जो इंतज़ार कर रहे हैं, आपको आज कल में ज़रूर आपका ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिल जाएगा। और जिनको आ गया है, मिल गया ऑफर लेटर, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी करिए और तय समय पर इनको जो है दोस्तों बुलाया गया है, इनको बुलाया गया है 22 नवंबर को। तो इन लोगों को 22 नवंबर को जाना है, ऐसे ही एक 22 23 24 ऐसे ही करके वो लोग बुला रहे हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो आप तैयार रहिए, आपका बुलावा जो है बहुत जल्द आने वाला है। तो वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।